भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं और इस बार उनके विवाद की वजह बनी है उनकी को एक्ट्रेस रही अक्षरा सिंह। जी आपको बता दें कि बीते दिनों अक्षरा सिंह ने पवन पर जिस तरह के आरोप लगाए थे उसके बाद ये बात तो तय मानी जा रही थी कि अब पवन सिंह विवादों में घिरते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह ने पुलिस में जाकर FIR दर्ज कराई है और अक्षरा ने यह भी कहा है कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। अक्षरा ने कहा कि वो और पवन एक साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी के बाद पवन उनके साथ रहना चाहते थे लेकिन उन्होंने पवन के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया, जिस बात पर उनका झगड़ा हुआ और फिर पवन ने उन्हें इंडस्ट्री से निकलवाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात समझी जानी चाहिए कि यहाँ पर ये मामला पूरा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री इस मामले में कई गुटों में बटी है, कई लोग पवन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कई लोग अक्षरा को। अब इस मामले में खबरों की माने तो भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक और मेगा स्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, मनोज ने साफ कहा है कि इस मामले में अगर अक्षरा सिंह गलत होती तो वो इस तरह के आरोप ही नहीं लगाती, लेकिन पवन सिंह सही है या गलत ये फैसला पुलिस करेगी। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान पूरे तरीके से किया जाना चाहिए और किसी महिला के सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो वो इस तरह का कदम उठाने के लायक है। शायद यही वजह है कि अक्षरा सिंह ने इतना बड़ा कदम उठाया है। मनोज तिवारी ने हालांकि पवन के खिलाफ कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बातों ही बातों में ये बात तो साफ हो गई कि मनोज तिवारी पूरी तरह से अक्षरा सिंह को सपोर्ट करते हुए नजर आए, यानी कि अपने सबसे चहेते पवन को मनोज तिवारी ने सपोर्ट नहीं किया। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया मोड़ निकल कर सामने आता है। हालांकि कई दिनों से अक्षरा यही कह रही है कि हर किसी को पता है कौन सही और कौन गलत, तो अब सही और गलत का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। ANP न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।